नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बदलापुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बदलापुर में धर्म परिवर्तन का विरोध करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली का किया घेराव। बदलापुर में अखिल भारतीय हिंदू गौरव महासभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा की गिरफ्तारी से आक्रोशित होकर उक्त बदलापुर कोतवाली गेट के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस हिरासत से छोड़ने तथा सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ की गिरफ्तारी करने की जिद पर अड़े हुए थे। वहीं मामला आपको पूरा बता दें कि 12 फरवरी को प्रमोद शर्मा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुरादपुर कोटलिया ग्राम पंचायत निवासी दिनेश मौर्या के घर पर धर्म परिवर्तन उसमें सर जो है धर्म परिवर्तन का मामला था। एक थॉमस सेंट जेवियर्स का विद्यालय का वही धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद एसएचओ बदलापुर संतोष पांडे ने रात 12:08 गए थे समझा बुझा कहा है समझौता कर लो अन्यथा ठीक नहीं होगा। उसके बाद सुबह गए गिरफ्तार करके लाए। पिताजी से कहें कि जो है इनको समझा दीजिए नहीं तो बेटे साथ धो लेंगे। उसके बाद जो है कहें समझौता कर लो हम तुम्हारा घर और व्यवस्था करवा देंगे घर और बन जाएगा स्थिति तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसी धमकी दे के घर से जो है मामला यह है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे जोसेफ के लोग। उस पर उन्होंने सूचना दी थाने पर। हम लोग थाने से इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ फोर्स गए। वहाँ से लगभग 2 दर्जन लोग उठा कर ले आए थे। अब उसमें लेन देन के चक्कर में था वो आया जोसेफ थॉमस जो है उसका प्रबंधक यहाँ अटैक कर रहा था। उसको ले जा कर के वो प्रसिद्ध नारायण सिंह अंदर किए और तुरंत कहाँ से फ़ोन आया कैसे मैनेज हुआ उसको छोड़ दिया गया। उसी को लेकर मामला है। उन्होंने दिया था कि नारायण कौन है प्रसिद्ध नारायण एसआई बहुत बहादुरी तो आज किसकी गिरफ्तारी हुई? आज प्रमोद नारायण प्रमोद शर्मा की गिरफ्तारी किए हुए हैं। उसको अननोन स्थान रखे हैं। उनके पिताजी संभवतः हार्ट अटैक हो गया है। इस मामले में अगर उनको अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ नहीं लाते हैं तो यहाँ आज जो तांडव किया जाएगा वो पूरा देश जानेगा। सवा 8 बजे कौन लिख रहा है? यही लोग गए। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा, पूर्व प्रधान होगा पुलिस के मुख्यालय से। क्योंकि इसमें जब उसने लिखा कि आत्महत्या में करने जा रहा हूँ तो सरकार के ऊपर इससे वो आरोप लगेगी। सरकार उनको सुरक्षित करने के लिए उसमें एसओजी की टीम एसआईटी की टीम तमाम टीम उसमें लगी होगी कि उनको उठा करके सुरक्षित किया जाए जिससे वो आत्महत्या न करने पाए। फिलहाल हमारी फिर जो है हमने कहा कि आप चिंता मत करिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। फिर मेरी कप्तान साहब से बात हुई। कप्तान साहब ने हमसे बताया कि हाँ वो हमारे पास हैं सुरक्षित हैं। आप विधायक जी एकदम निश्चिंत रहिए कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होने पाए ऐसी कोई